आपको अपनी स्किन के बारे में कुछ जानकारी दूंगी, जिससे हम आज के टाइम में हमारा खान पान ऐसा हो चुका है जिससे हमारे स्किन में बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत जल्दी हमारी झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं, हमारी स्किन में काले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। कैसे कैसे हम अभी 30 में पहुंचते ही हैं, हम अभी 30 साल के ही होते हैं, 30-31 साल में हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है, हमारी स्किन में झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है, लाइंस पड़नी, रिंकल्स पड़नी शुरू हो जाती है। आज देखो आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आज नई नई चीजें बना चुके हैं, इसमें इतना केमिकल है, इतना केमिकल है, आने वाले टाइम में हमारी स्किन बिल्कुल डेड हो जाती है। सैलून में जाते हैं, फेशियल्स करा लो, क्रीम्स ले लो, फेशियल के 1000 सेटिंग लगेगी, 1200 सेटिंग लगेगी, कितना क्यों, इतने हम चार्ज क्यों कर रहे हैं सैलून में जाकर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घर बैठे कैसे अपने स्किन को घरेलू नुस्खे से सही कर सकते हैं। देखो मसूर की दाल तो हर किसी को पता होती है, जो ऑरेंज कलर की होती है जो मसूर की दाल, उसे हम मसूर की दाल जो है हम उसे एक चम्मच नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप पाया ले लो, 250 ग्राम्स दाल ले लीजिए, 250 ग्राम दाल जो दाल है आप उसे बीट करके रख दीजिए, बीट करके, जैसे हम घर में जो मिक्सी होती है, मिक्सी से हम उस दाल को ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं, पीसने के बाद जो उसका पाउडर बनता है दाल का पाउडर लीजिए, हमने एक चम्मच दाल का पाउडर लिया एक बाउल में, प्लस उसमें थोड़ी सी शहद डालने के बाद, और थोड़ा सा हम अगर जैसे कईयों के स्किन में पिंपल्स होते हैं, लूजनेस के बाद भी हमारे स्किन में पिंपल होते हैं, तो हम उसमें नींबू ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नींबू को अवॉइड कर दीजिए। और दूसरा अब हम उसमें थोड़ा सा क्या डालेंगे, रोज वाटर भी हम ऐड कर सकते हैं, शहद ना हो तो, वैसे शहद बहुत जरूरी है, अगर आपके पास शहद हो तो। क्या करना है, हम उसे पूरे पैक की तरह अप्लाई करना है, पैक कभी भी आप कोई भी चीज अप्लाई करते हो तो ईयर टू ईयर, हमें कोई भी चीज होती है हमें यहाँ से लेके पीछे तक ले जाना पड़ता है, हम इस रिंग हमें कोई भी पैक लगाना पड़ता तो ऐसे के ऊपर क्यों लगाना चाहिए, हमेशा नीचे क्यों, कभी भी हमें पैक नहीं लगाना चाहिए, हम नीचे क्यों लगाएंगे तो हमारी स्किन अपने आप ही ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगी। तो हम उस मसूर की दाल को प्लस थोड़ी सी शहद प्लस हम पिंपल हो तो नींबू लीजिए, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए, और थोड़ा सा रोज वाटर डाल दीजिए, हम उसे पूरे पैक की तरह ऊपर की ओर पैक लगाएंगे, उसे 20 मिनट्स छोड़ देंगे, जब वो ड्राई हो जाएगा तो हमें सेम थोड़ी सी शहद लीजिए या थोड़ा सा रोज वाटर के साथ मसाज कीजिए, मसाज करने के बाद ही आप उसे वॉश कीजिए, ऐसे वॉश करेंगे तो वो हमारी स्किन और भी लूज हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये कहूंगी कि आप सैलून में जाकर फेशियल छोड़ दीजिए, आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आपको जरूर फर्क अपनी स्किन में नजर आएगा।